अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। आज का व्लॉग जो है ना, मैं रमज़ान की प्रेप कर रही हूँ, वो माशाल्लाह से आज आपका शेयर करूँगी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, कुछ बेसिक है और कुछ जो है ना, मैंने न्यू अपनी रेसिपीज आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये सब रेसिपीज जो है मेक एंड फ्रीज की हैं, आई होप आपको पसंद आएंगी। तो चलो जी व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो वाइट चने पड़े हुए हैं, इनको मैंने जो है ना भिगो दूंगी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है और मैंने इनको भिगो दिया ताकि ये 3-4 घंटे भीगे रहेंगे और मैं इनको जब किचन में बाकी सारे काम करूँगी तो उसके साथ साथ ये भी काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर यही काम है, जो जो स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करने से काम आसान हो जाते हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है रमज़ान की कि जी नाप जी, जो हर दफ़ा हम लोगों ने वो चीज़ें बनानी होती हैं क्योंकि वो हमारी फैमिली को पसंद होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग नई ट्राई करते हैं ताकि फैमिली खुश रहे। क्योंकि नई नई चीज़ें जब टेबल पे आती हैं तो बच्चे तो खासतौर पे खुश होते हैं और बूढ़े बुजुर्गों वो भी खुश होते हैं क्योंकि वो भी एक बच्चों की तरह ही होते हैं। तो यहाँ पर नाप जी, मैंने अपने नाश्ते के लिए चाय बनने की रखी है। चने जो आप यहाँ पर हो गए हैं, मैंने सोख हो गए थे 3 घंटे के बाद, मैंने इनको अब रख दिया प्रेशर में और इतनी देर में मैंने अपना व्लॉग एडिट कर लिया था। और यहाँ साथ साथ मैं अपना नाश्ता करूँगी और साथ साथ हम प्रेप करेंगे। दो रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ माशाल्लाह से बनाना आपको आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर उसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन 1.5 किलो चिकन मैंने लिया है। और ये रेसिपी ऐसी है कि इसको हम बनाकर फ्रीज़ कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये बहुत देर तक अच्छी रहती हैं और फ्रेश रहती हैं। तो 1.5 किलो चिकन को मैंने डाल दिया पतीली के अंदर। इसके अंदर मैंने 5-6 क्लोव गार्लिक के डाले हैं, 1 टेबल स्पून नमक का डाला है और इसको मैं बॉयल कर लूँगी डेफिनेटली, जिस तरह चिकन को बॉयल करते हैं। साथ साथ ऊपर जो जाग आती है वो उतारते जाएँ क्योंकि उससे क्या होता है, यखनी आपकी क्लियर साफ़ सुथरी हो जाती है। इतनी देर में मेरे चने बॉयल हो गए थे, उनको मैंने रख दिया साइड पर और प्रेशर को मैंने खाली कर दिया। और प्रेशर के अंदर मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे क्योंकि आलू भी डालने हैं इसके अंदर। तो आपको पता है रेसिपी आलू के बगैर कोई कंप्लीट नहीं होती, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आलू का इस्तेमाल होता है। और मैंने भी यहाँ पर आलू के जो है ना 2 बैग मंगवाए हैं और वो काफ़ी अच्छे से अब मैं यूज़ करूँगी। साथ साथ किचन में जो है ना, जब तक चिकन बॉयल हो रहा है, आलू ठंडे हो रहे हैं, मैंने किचन की बाकी चीज़ें सब समेट ली हैं। बर्तन कुछ धोने वाले थे वो डिशवाशर में डालें और जो धुल चुके थे और ड्राई हो चुके थे उनको उठाकर मैंने जगह पर रख दिया। तो यहाँ पर चने हो गए ठंडे, मैंने इनको डाल दिया था एक बड़े से बॉल के अंदर और अब इसको मैं छोटे छोटे जो है ना कंटेनर्स में डाल लूँगी क्योंकि चना चाट जो होती है माशाल्लाह से बहुत यूज़ होती है। फ्रूट चाट के अंदर भी चने हम डालते हैं। समोसों के साथ जो चने बनते हैं वो भी हम लोग अक्सर इफ्तार के टाइम पे बना लेते हैं, चनों वाले पुलाव बना लेते हैं। तो माशाल्लाह चने जो होते हैं ना काफ़ी इस्तेमाल होते हैं और फिर आपको डेली चने बॉयल कर किए भी नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पर ये है कि ये मुझे अंदाज़ा कि मेरी फैमिली को एक टाइम में कितनी चीज़ किसके लिए चाहिए तो मैं उसके मुताबिक कंटेनर बना रही हूँ। तो ये दही का कंटेनर आता है, मैं इसको हमेशा जो है ना सेव कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। तो ये सही रहता है कि मेरे एक टाइम में फ्रूट चाट या चना चाट के अंदर मैं इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ और इतने ही चने जो होते हैं ना वो मेरे चना पुलाव में भी काम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको तकरीबन आई थिंक 6 हिस्सों में डिवाइड किया या 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और आलू अब छीले थे, आलू ठंडे हो गए थे तो यहाँ पर मैं इसको छीलूँगी। चिकन बॉयल हो चुका है, उसको भी मैंने साइड पर रख दिया ताकि वो भी ठंडा हो जाए। और आलू जो है ये तकरीबन मैंने 1 किलो लिए हैं और एक रेसिपी की मैं आपको बता रही हूँ। एक रेसिपी में 1 किलो आलू डालेंगे, एक रेसिपी में आलू डाल रहे हैं और एक में नहीं डाल रहे। ये 1 किलो आलू जब आप बॉयल कर लें तो आप इसके अंदर जो चिकन था वो मैंने अंदाजे से हाफ चिकन जो है ना वो निकाल कर आलूओं के साथ ऐड कर रही हूँ और हाफ़ चिकन जो है हम दूसरी रेसिपी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ आलू
के साथ और चिकन के साथ जो हम बनाएंगे, ये हम बना रहे हैं चिकन और पोटैटो डोनट। तो साथ जो दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं वो हम बहुत ही मज़ेदार से डम्पलिंग बना रहे हैं और हम अपने देसी स्टाइल में बनाएंगे। तो यहाँ पर सब चीज़ों को कट कर लेती हूँ एक दफ़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों रेसिपीज़ में जाएंगी, तो ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने हाफ बेल पेपर लिया बड़े साइज़ की, अगर आपके पास छोटी है तो आप पूरी इस्तेमाल कीजिएगा। तो हाफ बेल पेपर जो है ना, मैं इसको बड़ी बड़ी चॉप कर लूँगी। और तकरीबन यहाँ पर मेरे पास फुल प्याली भर कर एक स्प्रिंग ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन की है, वो मैंने चॉप कर लिया है। और 4 से 5 ग्रीन चिली जो है ना, वो आपने चॉप कर लेनी है बड़ी बड़ी। अगर आपके बच्चों को ग्रीन चिली नहीं पसंद तो आप ना डालिएगा। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहले रेसिपी हम बनाएंगे जी चिकन क्रीमी डम्पलिंग। तो इसके लिए एक जो है ना, हमने कोई बर्तन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेगा। तकरीबन मैंने ये 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऐड किया है। और इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट जाएगी। इसको आपने बिल्कुल लाइट सा भी फ्यू सेकंड के लिए स्टर करना है। साथ ही जब ये स्टर हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर। लहसुन को आपने थोड़ा सा साइड पे कर देना है, अदरक को भी, जैसा कि मैंने किया। और इसी कढ़ाई के अंदर ही हम सारा काम करेंगे, क्योंकि बर्तन डिफरेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसकी सॉस पहले रेडी करेंगे, क्योंकि हमने क्रीमी से बनाने हैं। यहाँ पर हमने बटर डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून से लेकर आपने जो है ना 2.5 टेबल स्पून तक, 2.5 टेबल स्पून तक जो है ना मैदा ऐड कर देना है। अब आपने इसको इतना भूनना है कि हल्का सा जो है ना ये बटर ऑयल के साथ जो है ना क्रीमी सा बन जाए। साथ ही हमने अंदर इसके डाल देना है दूध, और दूध के साथ हम इसकी वाइट सॉस रेडी कर रहे हैं। और दूध का की कोई क्वांटिटी नहीं है, तकरीबन 1 गिलास पूरा ये यूज़ हो गया था। फ्लेम को लो करके हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे, और जितना हमें चाहिए मिल्क, ताकि क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए, कोई इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, कोशिश कीजिएगा स्टर करते जाएं। इसके अंदर हमने नमक डालना है। नमक हम डालेंगे 1/2 जो है टेबल स्पून, क्योंकि चिकन बॉयल करते हुए हमने थोड़ा नमक डाला था, तो इसके हमने नमक का बहुत ध्यान रखना है। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। साथ ही हम इसमें काली मिर्च डाली है, 1/2 टी स्पून डाली है। और इसके अंदर रेड क्रश चिली जो होती है वो भी मैंने 1/2 टी स्पून डाली है। सोया सॉस इसके अंदर मैंने डाली है 1 टी स्पून। और ये नैंडो सॉस है, मैं नैंडो सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप जो है ना चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, या हाली हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। वो डाली है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो इसके अंदर जनाबी चिकन जो हमने श्रेड करके रखा था वो डाल दिया मैंने, बेल पेपर डाल दिया, कॉर्न भी आपने एक प्याली जो है ना वो बॉयल किया हुआ जो आपने इसके अंदर डाल देना है। वेजिटेबल्स का जो है ना, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, लेकिन ये वेजिटेबल्स परफेक्ट रहती हैं इस रेसिपी के लिए। तो जनाब जी, हमने इसके अंदर इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सबसे एंड पे इसके अंदर हम जब फ्लेम लो में ही आपने इसको पकाना है, सबसे एंड पे हमने देसी टच तो देना है इसके अंदर। तो हमने डाला इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर फ्रेश जो है ना हरा धनिया वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि ये अभी बहुत थिक नहीं है, जितना मैंने थिक रखा है उतना ही आपने इसको थिक रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। बस इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को कर देना है बंद, और इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, और फिर हम इसको करेंगे असेंबल। तो अभी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जो आलू बॉयल करके रखे थे उसके साथ मैंने चिकन को कर लिया श्रेड, आलू भी छोटे छोटे कर लिए हैं। इसके अंदर जो स्प्रिंग ऑनियन बाकी बचा था वो डाल दिया है, 1/2 हमने डाली है। जो कट करके रखी थी ग्रीन चिली वो 1/2 डाली है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कटी हुई लग रही थी। सो मैंने इसके अंदर 3 ग्रीन चिली काट के डाली है बड़ी बड़ी। 1 अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू जो है वो आपको ने बता दिया कि 1 किलो है, और जो चिकन है तकरीबन 3 पाव होगा। अब इसके अंदर हमने डालना है कॉर्नफ्लावर, ये मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, और ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और ये बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। तो जनाब जी, साथ ही इसके अंदर हमने डाल देना है सूखा धनिया भुना और पिसा हुआ, ये 1 टेबल स्पून जाएगा। नमक हम टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आप टेस्ट कर लीजिएगा बाद में, कम लगे तो और डाल सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल देंगे पहले तो उसको कम करना मुश्किल है। सो यहाँ पर ज़ीरा भुना हुआ ज़ीरा ये, और ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। रेड चिली जो है मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टी स्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी डाली है। और रेड क्रश चिली ये भी मैंने 1 टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। सारी चीज़ों को जब आप डिफरेंट स्पाइसेस ऐड करते हो तो एक बैलेंस होना चाहिए, और रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्पाइस भी नहीं अच्छा लगता।
थ्री टेबल स्पून हरा धनिया जाएगा और 3 टेबल स्पून ही ब्रेड क्रम्स जाएंगे। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास ना हो तो आप 2 ब्रेड के स्लाइस लेकर उनके ब्रेड क्रम्स बना लें और इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहाँ पर आप इसको मिक्स करते हैं। हाफ प्याली हम इसके अंदर मोजरेला चीज़ ऐड करेंगे और ये मेरे पास छोटा सा पीस एक पड़ा हुआ था पहले वाला, मैंने इसको पहले यूज़ किया और नया पैकेट अभी मैंने फ्रेश मंगवाया, उसके अंदर से भी छोटा सा एक क्यूब काट कर तो वो भी मैं श्रेड कर लूँगी। सो तकरीबन हमें हाफ प्याली जो है ना मोजरेला चीज़ जो है ना श्रेड करके हमने इसके अंदर ऐड करनी है। मिक्सचर को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा, फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने इनको 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब इसके हम जो है ना डोनट रेडी कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। अच्छा मुझे पहले जब भी मुझे लगता था कि ये बनाने इतने आसान नहीं है, बनाना आसान है लेकिन जब इसको हम कोट करते हैं तो इसको हैंडल करना आसान ही, लेकिन बहुत परफेक्ट रेसिपी बनी है और मैंने इसको बहुत आसानी से हैंडल कर लिया। बहुत ईजी है और जिस तरह आप कबाब को शेप देते हैं टिक्की को उस तरह आपने इसको शेप देनी है और बाद में आपने इसके अंदर जो है ना इस तरह फिंगर की मदद से होल कर लेना है। अच्छा जितना आपका ये टाइट मिक्सचर होगा उतने अच्छे से आप इसको हैंडल कर सकोगे। अब क्या मैं कर रही हूँ कि सारे बनाकर मैं इसको एक बेकिंग ट्रे पर या किसी भी ट्रे पर आप इसको थोड़ा सा नीचे आपने ऑयल लगा लेना है, फ्यू ड्रॉप डालिएगा और उसको पहले आपने अच्छे से सारे अरेंज कर लेने हैं, सारे पहले बना लीजिएगा और इसको आपने फिर अगेन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में ज़रूर रखिएगा, उसके से क्या होता है कि बहुत आसानी से हम इसको अभी कोट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 4 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, पिंच इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है और पिंच ही मैंने इसके अंदर जो है ना काले मिर्च डाली है का पाउडर डाला है। तो अब यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस लेकर उसका ब्रेड क्रम बनाया। मैंने अभी जितनी देर में मैंने अपने डोनर जो थे फ्रीज़र में रखे थे उतनी देर तक हमने अपने ब्रेड क्रम रेडी कर लिए थे और इस तरह इसको ट्रे में फैला दें, थोड़े से ये ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह फोर्क की मदद से करें, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हाथ गंदे नहीं होते। अभी आप देखिएगा कि मेरे बिल्कुल भी हाथ जो है ना गंदे उस तरह नहीं, और जैसा कि अगर हम हाथ से डिप करके निकालें, जब आप फोर्क से निकालते हो तो बिल्कुल भी हाथ गंदे नहीं होते। जिस तरह मैं आपको दिखाऊँगी 2 मरतबा बनाना दिखाऊँगी, पहले आपने इसको मैदे और कॉर्नफ्लावर का जो आपने बैटर बनाया उसमें आपने इसको डिप करना है। बैटर आपने बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत थिक भी नहीं करना, नॉर्मल सा बैटर बनाइएगा। उसमें डिप करने के बाद आपने इसको ब्रेड क्रम में कोट करना है, अच्छे से कोट कीजिएगा प्रेस कर करके ताकि अच्छे से क्रिस्पी सी कोटिंग जो है ना इसकी रेडी हो, और जो फिर एक्स्ट्रा रह जाएगा उसको आपने हाथ से जार देना है। जारते हुए आप देख रहे हैं कि अगर कहीं से ब्रेड क्रम उतर जाते हैं तो मैं अगेन उन पर लगा देती हूँ, तो ये मशरूम से हर तरफ से अच्छे से कवर हो गया है। और अगर आप इसकी बैटर की जगह पे अंडा भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना मैदा और कॉर्नफ्लावर के बैटर से मोर क्रिस्पी जो है ना ये रेडी होते हैं। तो चलिए जी इसी तरह किया मैंने, दोबारा दिखा रही हूँ आपको, लिक्विड में डाला है और देन फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके इस तरह ट्रे में अरेंज करते जाना है। बहुत ही टेस्टी जो है ना ये डोनट रेडी हो रहे हैं और ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ अपने रमज़ान इफ्तार में। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं माइंड में और मैं अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करूँगी और आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी सारी रेसिपीज़। और यहाँ पर मैंने अपने सारे चिकन डोनट जो है रेडी कर लिए थे, अब हम इनको ट्रे को उठाकर फ्रीज़र में रख देंगे और उसके बाद इसको हम कंटेनर में डालकर सेव कर लेंगे। और जब हम इसको इफ्तार में फ्राई करेंगे तो मैं आपके साथ वो भी क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब बना लेते हैं अपनी दूसरी यमी सी रेसिपी। तो ये जो है ना पफ पेस्ट्री मैं यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी के लिए और माशाल्लाह से यहाँ पर हमने एक शीट लिया है उसको हमने बेल लिया है। अच्छा ये जो है ना पफ पेस्ट्री थोड़ी मोटी थी, मैंने इसको बेला है और बेल कर हमने जो है ना इसको इस तरह सर्कल की शेप में कट कर लेना। अगर आपके पास डम्पलिंग का टूल नहीं है तो आप इस तरह इजी तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं देसी स्टाइल में कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पर ग्लास ले लेना स्टील का, थोड़ा बड़ा साइज़ का, और उसका या कोई आपके पास कोई भी स्टील की चीज़ हो या कोई कुकी कटर हो जो सर्कल में हो तो राउंड शेप में हो तो आपने उससे इसको कट कर लेना है। उसके बाद आपने करना है इसको फिर बेलना है, क्योंकि हमें ये बारीक सा चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, हमें ये पफ पेस्ट्री की तरह फूला हुआ इतना नहीं चाहिए, हमें ये बहुत लाइट सा क्रिस्पी सा चाहिए। तो जब हम इसको बेल लेते हैं और उसके बाद हमने जो अपना बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चिकन बैटर रेडी किया था वो हम इसके अंदर तकरीबन ये हमारा 1 टेबल स्पून जितना ही हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं।
तो सारे पहले आप अच्छे से बेल लीजिएगा, थोड़ा जो है ना खुश्का डस्ट कर लीजिएगा ताकि ये चिपके ना, क्योंकि हमने इसको बेल लिया है और बेलने से थोड़ा सा ये चिपकता है। तो यहाँ पर हमने इसे बेलने के बाद सर्कल काटे हैं, उसको दोबारा थोड़ा बेला है और देन इसके अंदर हमने एक एक टेबल स्पून सारा मिक्सचर जो बनाया है वो ऐड करेंगे। ये पफ पेस्ट्री मैंने वालमार्ट से ली है और मेरे यहाँ पे रहने वाले अक्सर सब्सक्राइबर जो है ना पूछेंगे, जिनको नहीं मालूम है, तो ये वालमार्ट से मिल जाती है। आजकल ये तकरीबन $4 की जो है ना ये मिल रही है और इसके अंदर तकरीबन 2 शीट हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये हमारे डम्पलिंग रेडी हुए थे। तो चलिए जी, यहाँ पर हमने इसको फोल्ड किया और फोर्क की मदद से हमने इसका मुँह जो है ना बंद कर दिया और लुक कितना खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी सी इसकी शेप आई है। और यहाँ पर हमने अपना जो है ना पैन ले लिया, इसके अंदर जिसके अंदर हमने इसको फ्रीज करना है। इस तरह के दो पैन है, मैंने हल्का सा उसके ऊपर भी मैदा डस्ट कर दिया ताकि वो वहाँ पर फ्रीज जब हम करें तो ये चिपके ना आपस में। तो बस इसी तरह आपने जी एक तरफ मिक्सचर डालना है, उसको ऊपर से फोल्ड कर देना है और फोर्क की मदद से आपने इसको इस तरह इसका मुंह जो है ना प्रेस करके बंद कर देना। इससे क्या लुक भी प्यारी आएगी और इस तरह ये खुलेगा भी नहीं। ये देखें जी जिस तरह ये मैं आप कर रही हूँ, इस तरह कर देना आपने प्रेस और इससे बहुत प्यारी सी ना शेप आ जाएगी। और इसको हम सारे ट्रे में अरेंज करेंगे और उठाकर इसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में। तकरीबन तकरीबन हमें आधे घंटे के अंदर अंदर ये हमें फ्रीज किए मिलेंगे और हम इसको उठाकर कंटेनर में डाल देंगे। यहाँ पर हमने चिकन डोनर जो है हमने बनाए थे वो हम अपने अब कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसी तरह जो डम्पलिंग हमने बनाया वो फ्रीज करेंगे और जब इफ्तार में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत बहुत चीज़ें ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपनी फैमिली को बनाकर खिलाएंगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ना चने जो है मैंने इस तरह डिफरेंट चीज़ों में डाल के डिवाइड किए। आपके पास भी जो भी डिस्पोजिबल बर्तन हो आप उनके अंदर डाल कर भी फ्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दो ब्लैक जो छोटे डिस्पोजिबल कंटेनर है ये मैंने इसमें थोड़े चने डाले हैं, क्योंकि ये वाले चने जो हैं मैं जो फ्रूट चाट है उसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, ताकि मैंने क्वांटिटी के मुताबिक डालें कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है ना वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डाल दी है। तो उठाकर मैं इसको अब रखूँगी फ्रीज़र में और अपना फ्रीज़र कैसे ऑर्गेनाइज़ किया वो भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं।